बैक टू आवर चैनल। हम तो मिन इंग्लैंड, मैं हूँ गौरव, मैं हूँ अभी। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरा अपनापन फील कराने वाले हैं, क्योंकि आज हम आए हैं साउथ हॉम। सो मैंने जितना पढ़ा है लंदन में चार से पाँच लाख जो इंडियंस रहते हैं, उसमें से काफी प्रोपोर्शन के जो लोग हैं वो सिर्फ साउथ हॉल में ही रहते हैं। 1950s से यहाँ पे लोगों ने आना स्टार्ट किया था और अब तक आ ही रहे हैं, और इसलिए इसको मिनी पंजाब बोलते हैं। सो हम यहाँ पे साउथ हॉल गुरुद्वारा आए हैं। इसका नाम है श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। लंदन का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है और हम अपने व्लॉग की शुरुआत यहीं से करना चाहते हैं आज। तो चलो आपको अंदर से दिखाते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सोएत खजाना लया। और जैसा कि आप देख सकते हो, इस गुरुद्वारे का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है। दिस गुरुद्वारा ओपन इन 2003 आफ्टर ऑलमोस्ट 3 years ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्टेड अराउंड 17.5 million pounds। और फिर यहाँ थोड़ी देर कीर्तन सुनने के बाद हम निकल गए बाकी का साउथ हॉल एक्सप्लोर करने। तो अभी हम वो पैलेस शॉपिंग सेंटर के अंदर भी जाएंगे। सो ये सबसे पुराना इंडोर मार्केट है, यहाँ पे अंदर सब कुछ मिलता है, ज्वेलरी से लेके, जूतियों से लेके, कपड़ों से लेके, कंबल तक। अभी तक साउथ हॉल का नाम नहीं सुना तो ये लंदन में एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी पंजाब या फिर कह लो इंडिया वाली फील आती है। सो दिस इज़ द होम ऑफ लंदन्स लार्जेस्ट सिख कम्युनिटी। सो आपको दिखाते हैं यहाँ पे आज पूरा। ऐसा लग ही नहीं रहा है लंदन में घूम रहे हो। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है दिल्ली की किसी मार्केट में या पंजाब की किसी मार्केट में। चाय वाला बर्तन। सो ये पूरी साउथ हॉल में एक रोड है जहाँ पे इंडियन शॉप्स ही शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, साड़ियों की दुकानें हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ कि आपको इंडिया का कोई भी सामान चाहिए आपको यहाँ से तो डेफिनेटली मिलेगा। तो मैडम ने अभी अपने घर के लिए एक तवा लिया है यहाँ से, जो कि हमें कहीं मिलता नहीं है। साउथ हॉल में जो है हर चीज़ मिल जाती है, तो यहाँ से हमने एक इंडक्शन तवा लिया है। हमारे घर पे इंडक्शन है, तो इंडक्शन का तवा कहीं नहीं मिल रहा था मुझे, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज की तरह वो भी मिल गया। तो अब रोटियां मिलेंगी मेरे को, खरीद लिया। अब रोटियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी? अगर आप साउथ हॉल आओ और यहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना हो तो चीनी चोर से बेटर ऑप्शन मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ पे आके स्ट्रीट फूड खा सकते हो और यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या अवेलेबल है। और फिर यहाँ गोलगप्पे, चाट, समोसे से लेकर इंडो चाइनीज तक ऑलमोस्ट हर तरह का स्ट्रीट फूड हमें मेन्यू में दिखा, और प्राइसेस भी बहुत ही नॉर्मल थे।
और फिर हमने ऑर्डर किया गोलगप्पे, आलू कुलचा, पापड़ी चाट और मसाला डोसा। और फिर हम पहुंचे क्वालिटी फूड्स जो कि बहुत बड़ी इंडियन सुपरमार्केट है। यहाँ पर हर तरह के इंडियन खाने का सामान आपको मिल जाएगा, तो चलो देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। जब तक अभी घर के लिए मसाले ढूंढती है, तब तक यहाँ के मसालों के प्राइस देखते हैं। सो अलग अलग ब्रांड के मसाले यहाँ अवेलेबल हैं। ये गरम मसाला 99p का जो कि 90 रुपये, ये बटर चिकन मसाला 1 पाउंड का जो कि 90 रुपये के अराउंड, और उसी तरह यहाँ पे चाट मसाले का बड़ा पैकेट जो कि अराउंड 4 पाउंड का है, और हर तरह के मसाले यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और फिर मेरी नज़र पड़ी रस के पैकेट पर और काजू बिस्किट पर, जो कि 1 पैकेट 2 पाउंड का यानी 180 रुपये का, और केक रस का जो ये पैकेट है ये 750 ग्राम का 3.5 पाउंड का यानी कि 300 रुपये का। मुझे ना बड़ा ही मजा आ रहा है। हम जब से यहाँ पे आए हैं हमें इंग्लिश बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ हिंदी और पंजाबी से काम चल रहा है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है ना तो यहाँ पे काम चल जाएगा हिंदी और पंजाबी। और फिर हम पहुंचे कैरम बोर्ड लेने। क्या नाम है आपकी शॉप का? किड बस। सो ये किड बस शॉप है। अगर आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आपको सारे किड्स के आइटम मिल जाएंगी, और ये आई थिंक साउथ होल की सबसे बड़ी शॉप है जहाँ पे आपको एवरी आइटम मिल जाएगा। आप कुछ लेना है? हाँ, बहुत कुछ लेना है। अभी हम सारी बनाएंगे क्या क्या यहाँ पे टॉयज है, और कैरम बोर्ड लेके जाएंगे। और फिर अगर आप साउथ हॉल आओ और मिठाई ना लेकर जाओ तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हम आए पंजी स्वीट्स पर यहाँ का फेमस घेवर लेने। घेवर लेने के बाद हम निकल गए अपने घर की तरफ। सो साउथ हॉल से हम वापस आ चुके हैं इतनी लंबी ड्राइव करके, करीबन डेढ़ घंटे की ड्राइव थी, और साउथ हॉल गए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कुछ खरीद के ना लाए हो। तो चलो आपको दिखाते हैं हम क्या खरीद के लाए हैं। बहुत सारा इंडियन सामान खरीद के आए हैं। हमें ना वहाँ जाके फील हो रहा था नॉस्टैल्जिया कि इंडिया में हम ये खाते थे। अरे कुरकुरे मिल गए, लिमका मिल गए। मैं इससे स्टार्ट करूंगी। मुझे यहाँ पे रहते हुए काफी साल हो गए और मैंने 6-7 साल से घेवर नहीं खाया, और मैं ये देख के इतना एक्साइटेड हो गई कि घेवर तो लेना ही लेना है। नेक्स्ट चीज लाए हैं हम तवा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज। हमारी इंडक्शन की गैस है तो हमें ये वाला तवा कहीं मिल ही नहीं रहा था। बहुत टाइम से मैं बड़ी परेशान हो गई थी, अब फाइनली तवा आ गया। अच्छी अच्छी गोल गोल रोटियां बनाएंगे। ये भी बहुत अच्छी चीज मिली है मेरे को, ये आज तक कभी नहीं मिली यहाँ पे, सोया चाप। ये MDH की सोया चाप आई थिंक ड्राई है, ये भी हमें मिल गई तो हमने ले ली फटाफट। सारा सामान ये सारा साउथ में, बहुत सारे चिप्स। ये इंडिया वाले जो मिर्ची वाले चिप्स नहीं होते जो हम खाते थे,
किसी की बर्थडे पार्टी में जाते थे, ये मिर्च वाले चिप्स होते थे, तो वो देख के मुझे याद आ गया, मैंने कहा ये तो लेंगे ही लेंगे। बहुत सारे और लेज मसाले ऑब्वियसली, और लेज और नमकीनें, टमाटर, ओह माय गॉड, लिमका। सो ये मेरी फेवरेट होती थी इंडिया के टाइम से ही, और मिलती ही नहीं है यहाँ पे, मैं परेशान हो गई, और ये देख के मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि लिमका तो लेनी ही लेनी है। और नमकीन, ये नमकीन है सारी मेरी है। चिप्स सारे मेरे हैं। बूंदी मसाला, बूंदी और चिप्स, फ्रेश धनिया, मिर्ची का अचार, जीरा, भिंडी, भिंडी नहीं मिलती हमें यहाँ पे, केक रस, ढोकला, हाका नूडल्स, ये सारी हम बहुत सारी भर भर के मैगी लाए हैं, और मसाला, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे दिखने में, ऑलमंड बिस्किट्स है, और बहुत ही जैसे इंडिया में बेकरी में बिस्किट्स मिलते थे ना, ये वैसे दिख रहे हैं। सो हम ये ट्राई करेंगे, बताएंगे कैसे। अभी 2 मिनट में हम चाय बनाने वाले हैं, और चाय के साथ सबसे पहली चीज यही ट्राई करने वाले हैं। इसी का ही उद्घाटन करेंगे। बादाम, पैराशूट कोकोनट ऑयल, बालों में लगाइए, हरी मिर्चे, पनीर, मेरी फ्रेंड्स ने बोला था कि ये वाला पनीर बहुत अच्छा है, सो डेयरी वैली पनीर, डेयरी वैली पनीर, हाँ, तो ये ट्राई करके। सो ये जो पनीर है ये 1.79 pounds का है, जो कि अराउंड 150 rupees के आसपास होते हैं इंडियन रुपीस में। सो ये कितना है? 250 grams है। और ये क्या? ये ना आजकल ट्रेंड चला है पिंक सॉल्ट का, तो हम भी ट्राई करके देखते हैं कुछ हेल्थ में फर्क पड़ता है कि नहीं, ट्राई मारते हैं। मैगी, मैगी हो गई बहुत सारी है हमारे यहाँ पे, इंडियन स्टोर पे भी मैगी हमेशा खत्म रहती है, बहुत लिमिटेड मिलती है, इसलिए हम खूब सारा स्टॉक लेके आए हैं। सो गाइज, अब ये जो सारा सामान है हम इसको वाइप करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ये कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो इसको हम अच्छे से वाइप करेंगे फिर सारा संभालेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साउथ हॉल में हम जितना घूम पाए आज एक दिन हमने पूरा साउथ हॉल में गुजारा है, और अगर यूके में रहने के बाद इंडिया वाली फील आपको लेनी है तो साउथ हॉल से बढ़िया जगह मुझे तो नहीं लगता कुछ हो सकती है। साउथ हॉल जाओ, एक दिन पूरा स्पेंड करो, वहाँ पे गुरुद्वारे जाओ, वहाँ पे एक मंदिर भी है, हम आज मंदिर नहीं जा पाए, क्वालिटी फूड से सामान लेके आओ और इंजॉय करो। पूरी इंडिया वाली फील लिया हमने आज, बिल्कुल मजा ही आ गया, जैसे इंडिया में जाके शॉपिंग करके आते थे ना और घर आके देखते थे क्या क्या लेके आए, आज वो वाली फील आई है पूरी प्रॉपर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो आप इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, जो लोग यहाँ पे, प्लीज गाइस, यस, एंड जो लोग यहाँ पे रहते हैं आपके फ्रेंड्स या फैमिली और वो साउथ हॉल नहीं गए हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि वो एक बार साउथ हॉल का चक्कर लगा के आए, और उनको भी पता लगेगा कि वहाँ पे सारा इंडिया का सामान मिलता है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों इस चैनल को। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।